Hey guys, hello and welcome back to my YouTube channel Rimpi's Creation. I hope you all are just doing safe and great. So thumbnail और title देख के तो आप लोगों को पता चल गया कि video क्या होने वाला है. So yeah, get ready with me. बस छोटा सा एक get ready with me है. अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो बस video skip नहीं करके देखते रहो. And बहुत दिन बाद मैं आज makeup video लेके आई हूँ. No foundation makeup look. So yeah. More further ado, let's get started. Okay, so at first I apply serum. तो मैं इधर serum को अच्छे से अपनी face पे apply करके और थोड़ा देर के लिए छोड़ दूँगी ताकि ये absorb हो जाए और अच्छे से मसाज करके then छोड़ूँगी. और serum लगाने से अलग ही एक glow provide होता है और skin तो hydrated रहता ही है. सॉरी मेरा आवाज़ के लिए तबीयत ठीक नहीं है इसलिए ऐसा सुनाई दे रहा होगा. एंड देन इवन मैं सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ. दिन में मुझे जाना था तो सनस्क्रीन मस्ट था, मतलब मैंडेटरी है मेरे लिए सनस्क्रीन. चाहे विंटर हो समर हो सबको लगाना चाहिए. मैं सबको बोलती हूँ कि लगाओ, प्रोवाइड करती हूँ सनस्क्रीन के लिए. और मैं लैक्मे का सनस्क्रीन लगा रही थी, उसको भी थोड़ा देर के लिए अपनी फेस पे छोड़ के मैं इधर लिप बम अप्लाई कर रही थी लिप्स को, ताकि लिप्स भी मेरा हाइड्रेटेड रहे और जब लिपस्टिक लगाओ तो केक ही ना दिखे. एंड देन बिकॉज ये कोई फाउंडेशन नो फाउंडेशन था लुक, तो इसलिए मैंने इधर कंसीलर यूज़ कर रही हूँ मार्स का पैलेट से. सो अपनी स्किन टोन से मिलता जुलता एक शेड लेके अपनी पिगमेंटेड एरिया पे अप्लाई कर लिया है ब्रश की मदद से. एंड देन इधर ये छोटा सा मेरा ये बहुत क्यूट सा ब्यूटी ब्लेंडर है स्पेशली फॉर माय अंडर आइज, बट इसे ही मैं अपनी पूरी फेस पे क्या बोलते हैं ब्लेंड कर लूँगी कंसीलर को, अच्छे से ब्लेंड करूँगी टाइम लगा के. और मतलब उसी से पूरा फेस पे भी मैं कर लूँगी ताकि यू नो ऐसा ना दिखे कि हाँ ये आधा जगह वाइट होके रखा है आधा जगह नहीं है, ऐसा नहीं दिखना चाहिए. तो मैं अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अपनी बेस को सेट करने के लिए लैक्मे का फेस पाउडर यूज़ कर रही हूँ. अच्छा, जो लोग मेरी तरह मेकअप पे ज़्यादा पैसा नहीं खर्चा करना चाहता तो ये फेस पाउडर के लिए आप लोग इसमें जा सकते हैं. लैक्मे का इस फेस पाउडर पे बहुत अच्छा है अफोर्डेबल प्राइस पे. एंड देन मैंने उधर सेटिंग स्प्रे यूज़ किया था अपना फेस पे. एंड देन अभी एक काइंड ऑफ स्मोकी आइज बनाने की कोशिश कर रही थी, इस ड्रेस के साथ अच्छा लगता तो मैंने इधर काजल से एक लाइन बनाया है. एंड देन एक ब्रश की मदद से इसको स्मच कर रही हूँ अच्छे से अपनी आई लिड पे. और मतलब मुझे विंग्स आईलाइनर बनाना नहीं आता है तो मैं इसलिए ज़्यादातर ऐसा ही आई लुक प्रेफर करती हूँ. मैं ऐसी ही हूँ, मतलब मुझे अच्छा लगता है ऐसा टाइप का आई लुक बनाना. एंड देन एक ब्लैक आई शेडो लेके थोड़ा थोड़ा एकदम वाटर लाइन का करीब करीब मैं लगा रही थी जहाँ पे भी मैंने वो स्मच किया था काजल को. एंड देन आईलेश कर्ल कर रही थी मैं एक आईलेश कर्लर्स की मदद से, क्योंकि मैं कभी भी शादी हो कितना भी बड़ा फंक्शन हो मैं फेक लैशेस यूज़ नहीं करती हूँ, मस्कारा ही यूज़ करती हूँ. एंड आई एम अ मस्कारा गर्ल, आई लव टू वेयर मस्कारा. एंड देन मैंने अच्छे से मस्कारा लगाया. आप लोग डिफरेंस देखो, एक आई इसमें लगाया है और एक आई इसमें नहीं लगाया है, तो मस्कारा से आपकी जो लुक है ना वो और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है. तो मस्कारा ख़रीद लेना जो लोग अभी तक नहीं खरीदे हो, कम प्राइस में भी बहुत अच्छा अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा आप लोगों को. और इधर मैं अच्छे से मस्कारा को भी मैं टाइम लगा के लगाती हूँ. आप लोगों ने देखा ही होगा कि मेरा ऊपर लग गया था आईब्राउ की साइड में, मैंने पोंछ लिया. और आईब्राउज मैंने ना ऑफ कैमरा में कर लिया था क्योंकि मैंने थ्रेडिंग नहीं करवाया था तो प्रॉब्लम होता. और फिर ये जो लिप कलर है ये इसका एप्लीकेटर फर्स्ट तो टूट गया है एंड देन इसका शेड मुझे किसी भी दुकान में नहीं मिल रहा था, पता नहीं क्यों मिल ही नहीं रहा है. फिर भी मैंने एक ब्रश की मदद से बहुत मुश्किल से मतलब पहले तो अपनी आउटलाइन ड्रॉ किया है लिप्स का एंड देन उसी से फिल कर रही हूँ. एंड अभी एक न्यूड सा कलर लेके ब्राउनिश न्यूड सा कलर लेके मैं क्या करूँगी अपनी इस लिप कलर के ऊपर मैं इसको अप्लाई करूँगी तो एक अलग ही शेड आ जाएगा लिप्स में और ये बहुत अच्छा लगेगा. तो आई होप यू लाइक इट. यही था आज का लुक. लव द वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड कॉमेंट डाउन बिलो कि मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को. एंड सब्सक्राइब करो चैनल को और सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन दिखेगा उसको भी हिट कर दो ताकि मेरा जो लेटेस्ट वीडियो है वो आप लोगों के पास बहुत जल्दी पहुंच जाए.
एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे। मुझे अभी भी मतलब कुछ कुछ करना बाकी है, जैसे कि एक्सरसाइज करना बाकी है, मैं वो सब कर लेती हूँ, बहुत लेट हो रही हूँ। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन टाटा बाय बाय, स्टे सेफ।